ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में एक निष्कासित हुए हैं, राजकुमार धनोरा कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ नहीं हो रही है, ये क्या कारण? नमस्कार, जहां कहते हैं कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां ग्राम पंचायतों के योजनाओं के लिए लाभ जो सरकार के हैं 33 योजनाओं का लाभ मिले, हीरा सिंह राजपूत निकले हैं ग्राम पंचायतों में, लेकिन हम बता दें कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस समय पर सुरखी विधानसभा क्षेत्र में गलत राजनीति का अगर देखा जाए तो आरोपों और प्रत्यारोपों का भी दौर चल पड़ा है। जहां कहते हैं कि राजकुमार धनोरा और मंत्री के बीच में खींचातानी हुई है, लेकिन हम आपको बता दें तुम तक न्यूज ने सीधी बात की है, क्या कहा है हीरा सिंह राजपूत ने, आप देखिए तुम तक। गोविंद सिंह राजपूत ने सुरखी विधानसभा जीता है 15,000 करोड़। चलो आप बिरेवे चले जाओ, देखो बस स्टैंड से चले जाओ, 3,000 आवास के मकान है, गांव गांव मकान बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, सब राशि वही से आ रही है। एक तरफ विकास की बात, दूसरी तरफ धर्म की बात। धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक है। धर्म ना होता तो यह देश रसा तल में चला जाता और कर्म ना होता तो यह देश आगे ना बढ़ता। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अयोध्या में देखिए 15,000 करोड़। आपने हमारी बात सुनी, हमारा यहां आने का मकसद समझा, ये बिल्कुल 100% सत्य बात जो यहां हुई है, इसमें कोई यहां वहां की बात नहीं हुई है। अब होता क्या है कि जब जब चुनाव आते तरह तरह के वो होता ना, एक वो जल्दी हूं याद या साढ़ में का कहा थे कुकर्मुत्ता कुकर्मुत्ता की उम्र होती है 6-8 दिन, तो हर जगह है, आ है तरह तरह की बातें करें। अब बताओ कोई माई का लाल इस विधानसभा में ये कह दे कि हीरा सिंह, गोविंद सिंह, गुलाब सिंह हमारे परिवार ने 1 रुपया कमीशन लिया तो राजनीति छोड़ गए। ओके बात भी कछु कुकर मुत्ता दें, अभी तो दें सो का करोगे, ऐसे सब जगह होते हैं, उनकी उम्र उतनी होती कि असाड़ को जहां पानी चलो बक बक भाओ और काम खत्म भाओ। आप सबने हमारी बात सुनी, बार बार आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आगे गांव को रवाना होने की आपसे आज्ञा चाहिए। जय जय श्री राम। 300 से ऊपर बन गए, 125 सेंक्शन, एक ने बचे सचिव, 4 भैया हैं, 4 की डांटो है, 150 जो बता रहे हो जो उसका हकदार है, अगर 4 भाई है चारों के नाम जोड़ो, ठीक है ना, जोड़ के कंप्यूटर में डाल दो, अगले साल तक आई थी। इतना बड़े बड़े काम एक भी हमारा गरीब आदमी जो ने कहे कि हमें पूछो नहीं, फार्म भराओ, फिर उसकी जांच करो, फिर उसको मंजूर करो, हम आगे गांव में खुद बांट। और वो ही कार्यक्रम चलते हुए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 10 बाकी सबको मिल रहे, 10 मंजूर, देखो भाई बोल हजार पटवारी जी तो मैं यू कुंजी की चाबी तुम तो दो जने तो हो गए जी, 10 लोगों के प्रधानमंत्री सम्मान निधि अगले महीने से उनके 2-2, 10-10 हजार आना चालू हो जाएंगे। और बता इस तरह 283 संबल कार्ड एक ऐसी योजना है, हम कई बार कहते आज भी कह रहे हैं कि जे भारतीय जनता पार्टी की वो अनूठी योजना है, गरीब का वो हथियार है जो उसे हर जगह काम आएगा, पढ़ाई में, लिखाई में, दवाई में, घटना में, दुर्घटना में। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने 70 शौचालय आज मंजूर किए जाते हैं, अब अगर सरकार ने करती मंजूर हमने आती तो सचिव तो मिल रहते ढूंढने मिलते तुम्हारे, इन्हें आदेश दिए हमने सरकार ने कि भैया तुम्हें मंजूरी के पावर दे रहे हैं, चलो तो
70 शौचालय मंजूर, बाकी ऐसा करो तुम लोग कि बाद में उनकी आईडी करा लो अलग अलग, ठीक है। कर्मकार के पांच आवेदन पांच ही मंजूर। बजाओ ताली भैया, बजाते जाओ। नमस्कार, कहते हैं सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां राजस्व एवं परिवहन मंत्री का क्षेत्र कहा जाता है, ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत लगातार जो है ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। हम आज बात करते हैं हीरा सिंह राजपूत से, क्या चल रहा है ग्राम अपने यहाँ पर विधानसभा में इस समय पर? देखिए, विधानसभा में चारों तरफ एक तरफ विकास कार्यों की गति बहुत तेजी से चल रही है, वहीं दूसरा जो आजकल चला रहे हैं हमारे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सरकार सभी लगी हुई है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। इस अभियान के तहत आपने देखा कि सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति का जो अधिकार शासन दे रही हो वो मिलना चाहिए, चाहे गरीबी रेखा का नाम हो, चाहे बीपीएल के परमिट हो, खाद्यान्न हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, इस तरह से 33 योजनाओं का लाभ देने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। हमारे सरकार के सभी अधिकारी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता आम जन से मिलकर उनकी समस्या निपटा रहे हैं। ये बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में एक निष्कासित हुए हैं, राजकुमार धनोरा कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ नहीं हो रही है, ये क्या कारण है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ सब वही भारतीय जनता पार्टी लोग खड़े हैं जिनकी दम पे हम 41,000 वोट से जीते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को तो हम प्रणाम करते हैं, उनका वजूद, उनका अस्तित्व, उनका सम्मान करने के लिए हमारा पूरा परिवार नतमस्तक रहता है। ये देखिए, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, लेकिन जहां पर राजनीति कहती है सुरखी विधानसभा क्षेत्र की, इस समय पर जो है ग्राम पंचायतों पर जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उनका परिवार पहुंच रहा है। अब देखना है कि जनता की सेवा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगामी जो चुनाव अब आने वाले हैं, तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल के बीच में चुनाव होंगे, लेकिन यह जनता की सेवा के लिए हीरा सिंह राजपूत उनका परिवार तत्पर है। आप देखिए तक न्यूज किया विशेष पड़ताल।